सोई है अभी तक महारानी? ये जेल है तेरा घर नहीं, जो अभी तक टांगे पसार कर सोई है? अभी तो 1.5 महीना हुआ है, पूरी जिंदगी यही काटनी है? सास का खून किया है ना? बहुत ताकत है तेरे अंदर, अपनी ये ताकत ना अपने काम में दिखा। चलो। नहीं नहीं है बेचारी, बोली कस्तूरी बोली। कस्तूरी तो बोली थी इसको कि मेरी गैंग में शामिल हो जा, ऐश करेगी, मगर ये सुनती ही कहाँ है मेरी। तू अपनी फिकर कर और चलो सब काम पे, चलो। ए तू भी चल। ए, इस जेल में सिर्फ दो ही चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो रामपुरी और दूसरी कस्तूरी। वैसे तो सब लोग कस्तूरी से हाथ मिलाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन कस्तूरी खुद तेरे सामने अपना हाथ बढ़ा रही है। चल पकड़ ले। मैंने अब तक अपनी जिंदगी का हाथ थामा हुआ है और मैं अपनी हर लड़ाई अकेले लड़ती हूँ। मुझे हराया तूने, कस्तूरी को हराया तूने? हमेशा सबको दाव पे लगाती है, अब बता तेरे पास क्या है दाव पे लगाने के लिए? बंदोबस्त हो गया। कब तक इन नाजुक हाथों से काम करती रहेगी? हाँ चला एक एक दाव खेलते हैं। अभी तेरे खेलने खाने की उम्र है, चल एक बार मेरे साथ खेल ले। मैं जुआ नहीं खेलती। अरे कौन बोला तुझे जुआ खेलने के लिए? खेलूंगी तो मैं तेरे बदले, लेकिन दाव पर क्या लगाना है ये तो तू बताएगी ना। बोल क्या लगाएगी दाव पर? ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे छूना भी मत। प्यार से देती है या नहीं? मैं नहीं दूंगी। चुपचाप दे। महेंद्र प्रताप सिंह मुजरिम हूं, इसलिए यहां हूं। 26 साल अपनी आधी उम्र यहां गुजारने के बाद आज भी ये जेल मेरे लिए अजनबी है, और मैं इसके लिए पर अपने अच्छे चाल चलन से थोड़ा सा खुदा बन गया। इस तरफ आने का, तुम औरतों की निगरानी करने का काम मिला। मैं रोज यहां से गुजरता, रोज तुम औरतों को लड़ते झगड़ते मारपीट करते देखता, और रोजाना यही बात कहता हूं, लड़ाई झगड़ा मारपीट बंद। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं ये जेल अजगर है, या तो ये तुम्हें निकल जाएगा या फिर तुम इस पर सवारी करना सीख लो, अजगर बन जाओ। अभी अभी तो इंसान बनी, इससे पहले अजगर जैसी ही थी, नागिन थी मैं। आज तक तो मैं तुम्हें इन जानवरों से बचाता रहा, लेकिन आज मैं यहां से चला जाऊंगा। आज मेरी सजा खत्म हो रही है, आज के बाद तुम्हें खुद अकेले ही इन लोगों से लड़ना पड़ेगा।
रॉकी, तुम चाहे मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करो, तुम मेरे आसपास रहो या ना रहो, मैं रहूंगी, तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। तस्वीर यहां पे किसने रखी? किसने रखी है तस्वीर? सर, मुंबई से जो सामान यहां पुणे आया है, शायद उसी सामान के अंदर शिवांगी मैडम की फोटो होगी। नाम मत लो उसका, इतनी बार का है, उसकी कोई भी चीज मुझे यहां पर नहीं चाहिए, उठा के बाहर फेंक दो। फ्रेंड्स नहीं है, मैं अपने बॉम्बे वाले फ्रेंड्स को इतना मिस करती हूँ। किस करती हूँ? किसको किस करेगी तू? हमारे यहाँ ना लड़कियाँ शादी के पहले कुछ नहीं करती, जो कुछ भी होता है ना सब शादी के बाद होता है। करेक्ट, बात तो ठीक है मम्मा की। तो वैसे अवनी, एक बात बता, जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है उसे तू शादी से पहले किस करेगी या फिर शादी के बाद? ओलियो, तुझे ना मैं मारूंगी पकड़ के। अच्छा, बहुत बदमाश होती जा रही है। और मानसी बुआ, इसको समझ नहीं रहे हूं। इसने किस नहीं बोला, मिस बोलो। अपना मिस? हाँ तो मिस तो मैं भी करती हूँ ना, किटी पार्टी। ओ गॉड, आप लोग भी ना। अब पुणे से मुंबई कितनी दूर है? जब मन होगा चले जाएंगे। नहीं, अब मुंबई कोई नहीं जाएगा, नेवर एवर। रॉकी, रॉकी आ जाओ। पता है आज मैंने तेरे लिए ना गोभी के पराठे बनाए। चल। वो वैसे मुझे अभी भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं पर खा लूंगा। क्या गा लूंगा? रॉकी, तुम ऑफिस पे गाते हो? बुआ, गाना नहीं बोला भैया ने, खाना बोल रहे, खाना। आप अपने कान की मशीन ठीक से क्यों नहीं लगाते हो? मशीन ठीक है अवनी, मैं तो सिर्फ रॉकी को हंसाना चाहती थी। देखना कैसे मुंह लटका के खड़ा हुआ है। बस इसीलिए थोड़ी सी एक्टिंग कर ली। इस समय में हमारे परिवार के साथ क्या कुछ नहीं हो गया, सब कुछ खो गया हमारा, बस तुम लोग बचे हो। जो कुछ बचा है ना मेरे पास, मैं उसे संभाल कर रखना चाहती हूँ, अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ रॉकी। गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। जूसी जूसी अलिया, जूसी आर यू ओके? समझ के समझ के चलो प्लीज। ये कहने का मतलब है कि वी आर ऑन। अब मत पूछना कि हम आपके कौन। नहीं, तुम इनके बेटे जैसे हो और आप इनकी माँ की जैसी है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इनकी माँ जैसी सिस्टर, नहीं सिस्टर जैसी माँ है। We talk on family, we walk on family, तो हुई ना jointed वाली family। तो चलो starter करें। और starters आप लोग कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। I'll see you guys in the evening। बिना eating see you। अरे सुनो, काले वाले फ्लावर के पराठे। काले वाले फ्लावर? काले फ्लावर गोभी के पराठे। काली फ्लावर दे पराठे नहीं पता। चुप कर आलिया। ए, धक्का मुक्की नहीं, आराम से ले गया। एक एक करके चलो, एक एक।
अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। सुना है तुम यहां मर्डर केस में अंदर आई थी? सही सुना है आपने। किसी ने शिकायत की थी या रंगे हाथों पकड़ी गई थी? मेरे पति ने कंप्लेन की थी। तो फिर मंगलसूत्र के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? तुम जानती हो ना वो कस्तूरी? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई नफरत नहीं। ये मेरी किस्मत है और किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। आप तो बहुत अच्छे हैं बाबा, तो आप यहाँ कैसे? क्या किया आपने? मैंने अपनी बीवी का खून किया था। अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपनी पत्नी से ज्यादा किसी और को प्यार किया है अपनी जिंदगी में, तो ये झूठ होगा। बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन हम उन्हीं लोगों को तंग करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कहा ना तुमने, किस्मत है और किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। तूने फिर मुझे कैच कर लिया ना? You know what? मैं हमेशा सोचती कि तुझे किसी दिन सरप्राइज दूँ, पर उल्टा तुम ही मुझे सरप्राइज कर देते हो। कहाँ से सीखा ये सब? ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। You know, you're lucky. इस ज़िंदगी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अरे सिखाया है ना? See? अब कूल ना? मीटिंग। हेलो, वेट। विच मीटिंग? आज नो मीटिंग, आज स्पेशल दिन है। स्पेशल? आज क्या स्पेशल है? सैटरडे वीकेंड, ऑब्वियसली स्पेशल हुआ ना। यू नो व्हाट, वी नीड टू गो टू द मीटिंग। नो वे, नो मीटिंग टुडे। तुम मेरे साथ चल रहे हो, पहले मूवी, फिर शॉपिंग, फिर लंच एंड देन पार्टी। व्हाट्स इट? पार्टी? पार्टी किस खुशी में? अरे पार्टी है तो खुशी है, खुशी है तो पार्टी है, ऑब्वियसली ना। यू नो व्हाट, कुछ नहीं ऐसा होगा। ओके, पहले काम फिर घर। ऑलराइट। क्या यार रॉकी, मैं तुम्हारे लिए यूएस से पूना शिफ्ट हो गई। तुमने मुझसे कहा कि मेरे घर में आके रहो तो मैं तुम्हारे घर में रहने लगी। ओके आई नो, तुम मुझे घर में इसीलिए रखना चाहते थे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। पर प्लीज यार रॉकी, मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, हम सारा काम साथ में करते हैं। अरे पूरी मार्केट में ना ये टैगर तुम्हारे लिए ढूंढा, और तुम मेरे साथ एक पार्टी में नहीं चल सकते? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत चलो मेरे साथ पार्टी। पर प्लीज यार, एक स्माइल तो दे दे। एक जिंदगी थी, जा स्माइल भी थी, वो जिंदगी गई, स्माइल भी गई। मिस्टर रॉकी, तुम्हारी स्माइल तो मैं वापस लेके आऊंगी, आई प्रॉमिस।
ये तेरे घर से ना टिफिन आया है, ठीक है खा लेना। So this is our latest summer launch, our application called Fame. Is launch ke baad Nikansh Telecom will be number one. Latest technology, high speed data, state of the art software, ye sab milega hamare consumers ko. Isliye mujhe ek mahine mein 2 crore ki sale, jitni zyada sale utni zyada bonuses. All right sir, hum log koshish karenge. Koshish nahi, I want the job done. Rocky, रॉकी जल्दी घर चलो। ताने क्या हुआ? रॉकी पापा स्टेज से गिर गए, जल्दी चलो। क्या? ए, सब जने सुनो, अपने गंदे कपड़े बाहर निकालो, लॉन्ड्री वाला आए हैं। अरे पर वो तो परसों ही आया था ना। तू मुंह बंद कर अपना और ये सब गंदे कपड़े बाहर निकाल। और सुन, लॉन्ड्री वाले एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ सब गंदे कपड़े निकालो। अंकिल, ये इतना अंधेरा क्यों है? अंकिल कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा डैडी? अंकिल! Happy birthday! तुम्हारा बर्थडे था, तुमने बताया क्यों नहीं? ओ हेलो, कहा तो था मैंने तुमसे ऑफिस में कि रात को पार्टी करने जाना है, पर कुछ लोग इतने बिजी रहते हैं कि दोस्तों की बातें सुनने का वक्त ही नहीं है उनके पास। सॉरी ब्रो। हैप्पी बर्थडे। ओ हेलो, दोस्तों को ऐसे विश करते हैं क्या? तो फिर हैप्पी बर्थडे। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओह, हाउ रोमांटिक। ओह हेलो, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। आह, या, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। शट अप आलियो। जल्दी करो सब, चलो लाइन में। बंदूक। रॉकी, ये भी कोई पार्टी है? हमारे यहाँ तो छोटे छोटे पार्टी में भी बड़े बड़े हंगामे होते हैं, यू नो, किसी हगी, टकीला शॉट्स, हॉट शॉट्स, सिंग द सॉन्ग। वो एक्चुअली आप लोग एंजॉय कीजिए। वो क्या है कि इसने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग से लेकर आई थी, तो मैं एक फोन करके आता हूँ। आई विल जस्ट बी बैक। रेनी, व्हाट इज दिस? क्या हुआ जूसी? नो म्यूजिक, नो सॉन्ग, नो मस्ती, नो रॉकी। ओ, मैं हूं ना तुम्हारा म्यूजिक, मस्ती, रॉकी। अरे बजाओ भाई।
मैंने किसी तरीके से उनसे गन छीन ली है। जब तक मैं इन लोगों से बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तुम कहीं छिप जाओ, उनके सामने मत आना। जाओ, कहीं छिप जाओ, जाओ। ये तो चारों तरफ से आग में फंस गए हैं, अब इन्हें कैसे बचाऊं? मेरा हाथ, मैं ये सब कैसे? रुद्र, रुद्र, शेष, शेष, शिवन्य, शिवन्य। शिव जी, मेरी शक्तियां तो जा चुकी थी, मेरा नागिन रूप तो चला गया था, फिर मैं नागिन कैसे? मेरी शक्तियां वापस कैसे आ गई? मैं ये सब, इसका उत्तर तो सिर्फ गुरु जी दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तुम्हें पता है रॉकी, भगवान तुम्हारे जैसा दोस्त ना किसी को ना दे। तुम मेरा बर्थडे भूल गए ना? I'm really very sorry, but you know what? भगवान तुम जैसा दोस्त सबको दे। मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, सबका ख्याल है, किसी को नहीं भूलती हो तुम। ओह हेलो, कि मेरी भी फैमिली है, ओके? चलो। परफेक्ट कपल। तेरे बिना गले से उतरती नहीं, तेरे बिना किक तो मुझे मिलती नहीं। Excuse me. Attention. Excuse me. Hey guys, come on, you all party. Big hand. Thank you. आप आए तो रिटर्न गिफ्ट हमारा भी बनता है। हमारी तरफ से आप सबको एक सरप्राइज, स्पेशली हमारी बेटी तान्या को। Big hand! हम अपनी बेटी तान्या को
एक वांटेड लड़का दे रहे हैं। बिग हैंड। नहीं समझे? हम अपनी बेटी को हैंड टू हैंड दे रहे हैं, उसका लाइफ पार्टनर रॉकी। Yes, it's a big one. We decide Tanya and Rocky the engagement. तो यहाँ होने वाली है सगाई, तो बजाओ ताली भाई और प्रजाई बजाओ। देखिए देखिए सुनिए, हम तो चाहते थे मुहूर्त इसी पल का, पर सर क्रेजी पंडित ने निकाला मुहूर्त कल का। तो कल पार्टी मेरी तरफ से और आप सबको आना है इनकी तरफ से। ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे भी नहीं पता। I think mom dad have gone crazy. चलो पता करते हैं। आ गए मेरे दूल्हा दुल्हन। मॉम यहाँ कोई दूल्हा दुल्हन नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। अरे चलिए मेरे साथ। क्या हुआ क्या? What is the problem? Mom, we can't do this. देखिए आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता। तुम्हारी पहले वाली वाइफ की तो डेथ हो चुकी है ना, फिर क्यों दी? अभी उम्र है, समय है, तांगे हैं। लेकिन ताने से मैं ताने से प्यार नहीं करता। ओ हेलो, मैं भी कोई तुमसे प्यार नहीं करती। मॉम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और कोई फ्रेंड्स शादी करते हैं क्या? लेकिन तुम दोनों की केमिस्ट्री देख के लगा के मॉम यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप चलिए मेरे साथ और सबको बोल दीजिए कि कोई सगाई नहीं हो रही। अभी अभी एंगेजमेंट में नहीं तोड़ सकती हूँ, अभी तो अनाउंसमेंट की है। एंगेजमेंट होने के पहले अगर टूट गई तो वही काली मुही वाली बात हो जाएगी, सब हम पर हंसेंगे। देखो तुम अभी एंगेजमेंट कर लो, पर बाद में तोड़ देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एंगेजमेंट तोड़ देंगे तो पता नहीं हाँ कितने मुगैम्बो खुश हो जाएंगे। प्लीज सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। इतने सारे लोगों को मैं अमेरिका से बुला के जो बैठी हूँ। मॉम इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने से पहले एटलीस्ट आप हमसे एक बार पूछ तो लेते। बेटा तुम तो अपनी माँ को जानती हो, इस तो इंपल्सिव, जब खुश होती है तो खुश दिखती है, दिखाती है, इसीलिए मुझे इससे प्यार हो गया। रॉकी, मैं तुम्हारी बड़ी माँ जैसी हूँ। देखो आज तुम सबके सामने मेरा इंसल्ट नहीं करोगे ना? बेटा प्लीज आज मैनेज कर लो, एंगेजमेंट ही तो है, बाद में बोल देंगे हो गई टूट गई। शादी थोड़ी ना करनी है। प्लीज मॉम प्लीज, अब रॉकी को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। ठीक है, आपके खातिर मैं एंगेजमेंट करने को तैयार हूँ। लेकिन रॉकी, इट्स ओके, मैं नहीं चाहता कि तुम पर या तुम्हारी माँ पर कोई भी उंगली उठाए। शिवांगी कहाँ है तू? शिवांगी तेरी माँ और रुद्र को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, क्योंकि मोक्ष दिलाने वाली एक तू ही है, बस तू। कब आएगी तू?
प्रणाम गुरुदेव। शिवांगी, तू अभी तक नागिन? ये तो आप बताइए, मैं अब तक नागिन कैसे? और मेरा रंग रूप भी बदल गया है, जैसे मैं कोई नई नागिन हूँ। रॉकी के साथ पति पत्नी का संबंध बनाने के बाद भी मैं नागिन कैसे हूँ? इधर आ। अपनी माँ की राख को लेकर और महादेव के जटाओं से निकलते गंगा जल में रख दे। जल तो राख को सोख लेता है और यहां राख ने जल को सोख लिया। शिवांगी, तेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ। ये कैसे संभव है गुरुदेव? किंतु गुरुदेव, उन सारे कातिलों को मैंने खुद मारा था, मेरा इंतकाम पूरा हो गया था। नहीं, तेरा इंतकाम पूरा हो गया होता तो ये राख जल में घुलकर पिघल जाती, तेरी माँ और रुद्र को मोक्ष मिल जाता। नहीं शिवांगी, मोक्ष मिला ही नहीं, पर इसकी कोई तो वजह होगी। शायद इसीलिए तू भी अभी अपने नागिन रूप में है। जा जा, पता कर क्या वजह है जो तेरे साथ अभी भी तेरा नागिन रूप है। ये क्या, यहाँ तो ताला, कहाँ गए सब? सुनिए जी, यहाँ रहने वाले सब लोग कहाँ हैं? आप कौन? मैं मानसी के गांव से आई हूँ। इस घर के लोग? घर नहीं, खूनी घर। आपको पता नहीं है कितने लोग मारे गए इस फैमिली के? रॉकी साहब ने अपनी बीवी को जेल में डाल दिया, अब सब लोग पुणे शिफ्ट हो गए। पुणे? पुणे का पता दे सकते हैं आप? देखो, रॉकी को पता चला, तुमने मुझे पता नहीं दिया, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं देता हूँ ना लिख के। अब मैं अपने रॉकी के पास जाऊंगी, पता लगाऊंगी आखिर यहाँ क्या गलत हुआ है। रॉकी, मैं आ रही हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू जी। ये क्या कर रही हो? दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रॉकी बाबू? बाहर हमारी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है और तुम यहाँ मेरी सौतन के साथ बैठे हो। क्या कर रही हो तुम? एंगेजमेंट की प्रैक्टिस माय डियर। सॉरी यार रॉकी, वो मॉम डैड ने फंसा दिया। फंसा दिया तो क्या हुआ? दोस्त होते किसके लिए? एक साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। रॉकी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मैंने घर में सबसे तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछा था, सब कहते हैं कि वो मर गई। अगर कह रहे मर गई तो मर गई होगी ना। रॉकी, पास में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, किसी का हाथ थाम लो। जब जिंदगी ने हाथ छोड़ दिया तो किसी और का हाथ थामने की हिम्मत नहीं रही मेरी। रॉकी, एक दिन के लिए सही,
पर तुम थाम तो रहे हो ना मेरा हाथ। You know what? कितने लड़के मेरा हाथ थामना चाहते हैं, पर ये चांस मैं सिर्फ तुम्हें दे रही हूँ। I know ये नकली एंगेजमेंट है, लेकिन फिर भी उन्हें पूछे बिना कुछ अजीब से लग रहा है मुझे। Oh God! ये एंगेजमेंट नकली है, असली नहीं। अब चलो, चलो जल्दी। आप मुझे इस एड्रेस पे जाने की डायरेक्शन दे सकते हैं प्लीज? हाँ जी, आगे से लेफ्ट ले लीजिए। लगता है यहाँ कुछ होने वाला है आज। रॉकी के घर में बड़े दिनों बाद खुशी आई है। अरे वहाँ तो पहले खून हुआ करते थे। अरे तेनु पता नहीं, वो सारे खून तो रॉकी की बीवी करवाती थी। छड्डो जी, हम तो सगाई में आए हैं, पार्टी इंजॉय करेंगे। मिसेस कपूर कहाँ हैं? होंगे यहाँ कहीं। चलो। सगाई? लगता है अबनी की सगाई हो रही है। Are you okay? Wow, beautiful, houseful. कहाँ से ली है साड़ी आपने? साड़ी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी वो मैंने अमेरिका में बहुत पहले मैंने ऐसी साड़ियाँ पहनकर सर्वेंट्स में डिस्टर्बेंस कर दी। वो क्या है ना, सर्वेंट्स भी आजकल ये कॉस्ट वाली साड़ी बेच देते हैं, कहीं आपने वहाँ से तो नहीं खरीदी? Anyway, छोड़ दो। Who are you? जी मिसेस कपूर। कपूर तो बहुत फेमस है जी इंडिया में, हर तीसरी औरत अपने आप को मिसेस कपूर कहलाती है। आप कौन सी मिसेस कपूर है? रॉकी के गेस्ट हाउस नहीं। ओह मी माय सेल्फी मंजूषा, मैं तान्या की माँ हूँ, प्यार से लोग मुझे चूसी कहते हैं। रॉकी कहाँ मिलेगा? सेल्फ के कमरे में होगा, फ्रंट से लेफ्ट, आई लेफ्टिंग यू गो। ओके सी यू। मानसी बुआ, हो गया? अब जल्दी से बाहर का काम निपटाओ। हाँ अरे पूरियां जल्दी जल्दी बनाओ भाई, सारा काम सिर्फ मानसी देखे घर में, कोई और तो कुछ कर नहीं सकता यहाँ। मानसी बुआ, नहीं आती ना तो आज तो मैं जली जाती। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। कान रखिए। अरे कान का ही तो बखेड़ा है सब, वही प्रॉब्लम है बस। मानसी बुआ, आप सोच भी नहीं सकती मैंने आपकी ये बातें कितनी मिस की है। अरे तुम यहाँ क्या खड़ी हो, मिठाइयों का जाकर देखो। हेलो, आप तान्या की तरफ से है ना? पता है आपको, आज तो तान्या के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं, हवा में उड़ रही है वो। बिल्कुल हवा में। आपको नहीं पता? क्यों? अरे आपकी तान्या की सगाई हमारे रॉकी से हो रही है। रॉकी की सगाई तानिया से? हाँ हमारे रॉकी से, आपकी तानिया की सगाई। हे भगवान कितना काम है। रॉकी
रॉकी सगाई कर रहा है? नहीं, नहीं कर सकता, मुझे उसे रोकना होगा।